मंत्रिमंडल विस्तार पर सबसे बड़ा अपडेट सामने आया है। 2 से 3 दिन में हो सकती है मंत्रियों की शपथ और पहली बार में 15 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ में एक साथ मंत्रिमंडल विस्तार के आसार जताए जा रहे हैं। राजस्थान में सीएम और 2 डिप्टी सीएम के बाद 27 मंत्री बनाने की गुंजाइश है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी। पहले चरण में 15 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है और ज्यादातर युवाओं को मौका दिया जा सकता है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट। 2 से 3 दिन में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है और देखिए पहली बार में 15 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। ये भी अपडेट निकल करके सामने आ रही है। राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ में एक साथ विस्तार के आसार जताए जा रहे हैं। सीएम और 2 डिप्टी सीएम के बाद 27 मंत्री बनाने की गुंजाइश है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी। और पहले चरण में 15 विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है और अपडेट ये भी है कि ज्यादातर युवाओं को मौका दिया जा सकता है। तो मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के कवायद और भी ज्यादा तेज होती हुई दिख रही है और इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। पहली बार में देखिए 15 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है। राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़ में एक साथ विस्तार के आसार जताए जा रहे हैं। सीएम और 2 डिप्टी सीएम बनने के बाद 27 मंत्रियों की जगह और गुंजाइश है। तो सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। और कौन कौन राजस्थान में मंत्री बन सकता है, किरोड़ी लाल मीणा ये नाम देखिए आगे चल रहा है। अनीता भदेल ये भी नाम अब रेस में आगे है। तो अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा तो किनको किनको जगह मिलती है। अब विधायकों की धड़कने तेज होती हुई दिख रही है क्योंकि बात अगर हम राजस्थान की कर ले तो देखिए सीएम भजनलाल शर्मा और 2 डिप्टी सीएम दिल्ली दौरे पर और आज जयपुर वापस आएंगे और ये कहा जा रहा है कि सीएम अपने साथ वो सूची भी लेकर के आएंगे जिसमें चिंतन और मंथन करके नाम फाइनल किए गए हैं और जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार किया जाएगा और नामों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। तो जोगेश्वर गर्ग ये मंत्री बन सकते हैं और कई बड़े नाम सामने आ रहे हैं। तो बड़ी जानकारी, बीजेपी के वरिष्ठ विधायक कालीचरण सराफ को प्रोटेम स्पीकर बनाया गया है। अब सवाल उठता है कि बीजेपी के दूसरे सीनियर विधायकों का क्या होगा। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, प्रताप सिंघवी, अनीता भदेल, पुष्पेंद्र सिंह राणावत, जोगेश्वर गर्ग, गजेंद्र सिंह खिवसर, मदन दिलावर, बहादुर सिंह कोहली, सिंधी कुमारी, श्रीचंद कृपलानी और सुरेंद्र सिंह राठौड़, संदीप शर्मा बीजेपी के सीनियर विधायक हैं। क्या इनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा या इनके अनुभव का संगठन में इस्तेमाल किया जाएगा। तो देखिए बीजेपी के सीनियर विधायकों का अब क्या होगा, सवाल ये उठ रहा है। सीनियर विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी, अब ये भी सवाल उठ रहे हैं। क्या सीनियर विधायकों को बीजेपी संगठन में भेजेगी और क्या सीनियर विधायकों के अनुभव का इस्तेमाल संगठन में किया जाएगा। तो जो सीनियर विधायक है अब उनको कौन सी जिम्मेदारी मिलेगी, इस पर संशय बरकरार है। और अब देखिए लोगों के जहन में यही सवाल उठ रहा है कि बीजेपी के अब सीनियर विधायकों का क्या होगा, उनको कौन सी जगह मिलती है, सीनियर विधायकों को मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी या नहीं, इस पर भी अब सवाल उठ रहा है। तो बड़ी जानकारी एक और आपको दे दें, जैसलमेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। जैसलमेर आएंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 23 दिसंबर को जैसलमेर आने का कार्यक्रम बताया जा रहा है। पोखरण में फायरिंग अभ्यास के दौरान मौजूद रहने वाली है राष्ट्रपति और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अब जब पहुंचेंगी तो देखिये तैयारियों को लेकर के अब प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है। कलेक्टर और एसपी ने तैयारियों की मॉनिटरिंग अभी से ही शुरू कर दी है।